Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. So today is 5th of November 2020, and this is your newspaper reading guide for today's newspaper. The purpose of these particular videos is to guide you what to read and what to not to read in a newspaper. I have seen so many students who waste their time reading the Hindu or the Indian Express or umpteen number of newspapers for many hours a day. वो स्टूडेंट्स अखबार पढ़ते हैं एंड स्टिल दे डू नॉट नो हाउ टू पिकअप न्यूज़ विच न्यूज टू रीड एंड विच नॉट टू रीड सो दर्पज ऑफ दीज़ वीडियोज इज टू गाइड यू टू फोकस योर एनर्जी ओनली ऑन दोज मटीरियल ओनली ऑन दोज आर्टिकल न्यूज आइटम्स विच आर एक्चुअली रेलिवेंट फ्राम सिविल सर्विसज परसपेक्टिव एक दिन के न्यूज़ पेपर में नॉट मोर देन टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ द न्यूज़ आइटम्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसिज प्रपरेशन

अगर आपको इस वीडियो को देखते देखते आप में ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए दैट यू कैन एक्चुअली चूज़ फॉर योर सेल्फ विच न्यूज़ टू रीड एंड विच नॉट टू रीड और अगर आपका एक मेंटल एप्टीट्यूड इस तरह का डेवलप हो जाए दैट यू हैव मेमोराइज द इंटायर सिलेबस ऑफ फिल्म एज वेल एज मेन्स और न्यूज़ को हेडलाइन पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि ये सिलेबस के कौन से हेड में फिट होगी दैट इज़ द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सो द पर्पज़ इज नॉट टू टेल यू विच न्यूज टू रीड विच नॉट टू

पिछले कई दिनों से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी न्यूज आ रही हैं लेकिन आपने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है अनटिल एंडल्टर अनाउंसड यहां पर आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन द कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए एंड नंबर टू द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ यूएस एस प्रेजिडेंट द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ यूएस एस प्रेजिडेंट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो जहां भी आप पॉलिटी के नोट्स बना रहे हैं वहां पे आपने ये दो चीज़ें जरूर याद करनी है ये दो चीज़ें आपने एक्सप्लोर करनी है एंड यू शुड मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट तो ये न्यूज़ आपने सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से पढ़नी है नॉट फ्रॉम द पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव देन

एक इलेक्ट्रल रिफॉर्म की तरह कोर्ट्स इसको करने की कोशिश कर रही हैं ताकि जो लोग हैं वो इन्फॉर्म चॉइसिस बना सकें तो ये पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये एक तरह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स वाला जो टॉपिक है वहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी कि कैसे जो टेंटेड लॉ मेकर्स हैं जैसे हम हमेशा न्यूज़ सुनते हैं कि इतने परसेंट पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और इतने परसेंट हैं जिनके अगेंस्ट जो है वो पेंडिंग है सो इन दीज पर्टिकुलर इंस्टेंसेज वहां पर ये आपका एक वैल्यू एडिशन न्यूज है जो आपको करनी है इस कॉन्टेक्स्ट में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इनके कुछ प्रोविजंस करनी है बिकॉज अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस इफ अ लॉ मेकर इज द वर्ड इज कन्विक्टेड क्योंकि जितने भी लॉ मेकर्स की हम बात करते हैं उन सब पे सिर्फ एलिगेशन है वो एलिगेशन अभी प्रूव नहीं हुए सो द की वर्ड हेयर इज कन्विक्शन तो अगर वो किसी केस में कन्विक्ट हो जाए कोर्ट उन्हें गिल्टी मान ले और अगर उन्हें दो साल या उससे ज़्यादा की सजा हो रही है, more than two years, तो ये है तो प्रोविज़न ये कि सज़ा का पीरियड प्लस छः साल के लिए उन्हें डिसक्वालीफाई किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लॉ मेकर को तीन साल की सजा होती है तो वो अगले नौ साल तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता लेकिन जो केस की पेंडेंसी है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि जब तक केस का रिजल्ट ही नहीं आएगा तब तक वो इंसान इनोसेंट माना जाएगा बिकॉज एज पर द इंडियन सिस्टम नो वन कैन बी डीम्ड टू बी एन एक्यूज नो वन कैन बी डीम्ड टू बी गिल्टी अनलेस प्रूवन गिल्टी तो प्रिजम्पन ऑफ इनोसेंस हमेशा रहती है तो so, इसीलिए अलग से जब कोर्ट बन जाएगी फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग्स होंगी उसकी वजह से वो जल्दी या तो कन्विक्ट होंगे या फिर वो रिहा हो जाएंगे और जो इलेक्टोरेट है उसको एक इन्फॉर्म चॉइस बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सपेक्टिव तो अगेन एक और न्यूज आपकी यहां पर पॉलिटी से बन जाती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइड गाइडलाइंस डाउन की हैं फॉर मेट्रीमोनियल केसेस तो मेट्रीमोनियल केसेस में जो एलिमोनी होती है जो कि डिवोर्स के केसेस में एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दी जाती है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की है पहली बात तो द डिजर्टेड वाइफ एंड चिल्ड्रन आर इंटाइटल टू एलिमनी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन जो वाइफ है और चिल्ड्रन है वो डिजर्ट कर दिए जाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जब वो अप्लाई कर देते हैं उस डेट से उन्हें एलिमनी बिलनी मिलनी शुरू हो जाएगी और सेकेंडली जो पार्टीज हैं उनकी इनकम और एसेट्स की प्रॉपर डिक्लेरेशन देखने के बाद ही एलिमनी डिसाइड की जाएगी इसमें डिस्क्रिशन को थोड़ा कम करने की कोशिश की जा रही है तो ये एक अच्छा रिफॉर्म है अगर आपके पास लॉ एज एन ऑप्शनल है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अदरवाइज इन जनरल भी ये फैमिली लॉ या लीगल रिफॉर्म्स के लिए एक अच्छा टॉपिक है यू कैन नोट दिस डाउन उसके अलावा फ्रंट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये एक रीजनल न्यूज है पंजाब की विच वी डिस्कस्ड इसका थोड़ा सा फेडरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखिए अदरवाइज इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है सो एज आई टोल्ड यू ऑन पेज नंबर टू ए इन वेरी पुअर कैटेगरी ये न्यूज आपको अगले एक दो तो महीने तक रोज देखने को मिलेगी क्योंकि विंटर्स में जो एयर क्वालिटी है वो पुअर होनी शुरू हो जाती है स्टबल बर्निंग की वजह से थिक एयर की वजह से विंड पैटर्न चेंज होने की वजह से तो यहां पर आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी इसके साथ इसको कनेक्ट करना है आपको इसका जोग्राफिकल रीजन पता होना चाहिए कि क्यों विंटर मंथ्स के शुरू होते ही नॉर्थ इंडिया में जो एयर क्वालिटी है वो पुअर होनी शुरू हो जाती है राइट right? और इन मेनी एरियाज ऑफ इंडिया एयर क्वालिटी स्टार्ट्स बिकमिंग पुअर तो इसका ज्योग्राफी से क्लाइमेटोलॉजी से क्या रिलेशन है दैट यू शुड नो उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट न्यूज खास नहीं है यहां पर पेज नंबर टू पे

कि जो बड़े वेल्दी इन्वेस्टर्स को फेवर करती हैं जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और एम एस हैं उनको वो उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करती हैं तो इस पूरे में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किए हैं दिस यू कैन ऐड टू योर इकॉनमी नोट्स जहाँ पर भी आपने अगर एन पढ़ी हुई हैं तो इंडियन इकॉनॉमी की जो एन है उसके साथ आप इन नोट्स को ऐड कर सकते हैं द रिफॉर्म्स दैट इंडिया नीड्स इन इट्स मार्केट इकोनॉमी एंड हाउ टू गिव मोर एम्फेसिस टू द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लार्ज एंटरप्राइजेस ये जो एडिटोरियल है अगेन इट्स पोलिटिकल एडिटोरियल स्किप इट द फाइनेंशियल स्टेट इज बींगल है आपका इश्यू बनता है तो फेडरलिज्म में जो फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है उस कॉन्टेक्स में आर्टिकल लिखा गया है पिछले कुछ वक्त से जी की शेयरिंग को लेकर और जो उसमें कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म है उसको लेकर जो सेंटर और स्टेट्स में टसल चल रही है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है और इसमें एक एलिगेशन लगाया गया है कि कैसे सेंटर जो है वो स्टेट्स की पोजीशन को वीकन कर रहा है तो इस तरह के आर्टिकल जब भी आप लिखें आप ओपिनियनेटेड ना हो ज़्यादा आप सिर्फ फैक्ट्स और जो उसके प्रॉपर जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना है तो इसमें से जो भी वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं वो आप निकाल सकते हैं दर इज अ लॉट ऑफ डेटा इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ये इकानमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड यू शुड राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाउन कि कितने परसेंट सेस है कितने साल तक वो सेंटर ने पे करना है जो सेंटर है वो स्टेट्स को कैसे कॉम्पेसेट करता है ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं यू कैन ऐड दिस इन द फाइनेंशियल रिलेशन एज वेल एज इन द जी एस टी एंड इट्स रिलेटेड इशूज़ इन इंडियन इकोनॉमी तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है और इसको नोट डाउन भी करना है अनदर एडिटोरियल ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज पावर तो बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के काफ़ी सारे इशूज़ आ रहे हैं स्टार कैंपेनर से रिलेटेड देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड ई वी एम हैकिंग से रिलेटेड तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये एक छोटा सा एडिटोरियल है दिस यू कैन डेफिनेटली रीड देन

इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के नोट्स बना रहे हैं देयर यू कैन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट उसके बाद नो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन दीज पेजेस जो यूएस इलेक्शन के ऊपर पूरा पेज है दिस यू कैन एंटायरली स्किप देर इज नथिंग मोर मच इंपॉर्टेंट ऑन दिस पेज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सिर्फ आपको यूएस और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो पता होनी चाहिए एंड यू शुड नो द एस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर उसके बाद जो वर्ल्ड पेज है उस पर भी यूएस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन की ही रिलेटेड सारी न्यूज है यू कैन स्किप दिस एंटायरली देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट न्यूज पेपर विच इज द इंडियन एक्सप्रेस so indian express may, again, there is not, uh, not uh, very important news there. so all these articles you should study and do not go deep into the u.s. presidential elections. the only things you have to focus are the constitutional comparison between indian constitution and u.s. constitution and how the president of u.s. is elected. right? so this was your newspaper reading guide for today. thank you and have a nice day.